नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की महामारी अब धीमे धीमे खत्म हो रही है। हालांकि केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का टीका तेजी से लगाया जा रहा है और उसके विभिन्न चरण एक के बाद एक आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ समय बाद हमें इस वैश्विक स्तर की महामारी से निजात मिल जाएगी। कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, टीके को लेकर तरह तरह की आशंकाएं भी हैं, लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। ये टीका काम कैसे करता है, कहीं नुकसान तो नहीं करता है, या फिर टीके को बनाने के ढंग क्या रहे हैं, इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के रिसर्च ऑपरेशन ग्रुप को हेड करने वाले डॉक्टर अरोरा जी। डॉक्टर एनके अरोरा का पूरा नाम है। बेसिकली रिसर्च से काफी गहराई से जुड़े हैं वो। इन क्लीन एक संस्था है, रिसर्च संस्था, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर एक एडवाइजरी कमेटी काम करती है कोविड को लेकर, उसकी कमेटी में ये जो नेशनल लेवल की कमेटी है उसमें भी बहुत प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, चूंकि टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है, अब ओवर 45 एंड ओवर 60 टीकाकरण चल रहा है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जो टीकाकरण की स्थिति है वह अभी उसके परिणाम के अनुसार क्या कही जा सकती है? जी, तो जब 16 जनवरी को देश में कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ तो हम उन अग्रणी 8-9 देशों में थे जहां पर कोविड का टीका एक कम्युनिटी आम जनता के लिए खोला गया था, और सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को टीका दिया गया, उसके बाद पुलिस और सर्विसेज सुरक्षा बलों को, फिर म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ के, और उसके बाद अब 60 से ऊपर हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है टीका, और 45 से और 60 के बीच में वो लोग जिनको पुरानी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की है, फेफड़ों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, इन लोगों को भी टीका दिया जाएगा, जिनको कैंसर है या जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न है हमारे देश के आंकड़े के हिसाब से ही। अगर 60 से ऊपर कोई व्यक्ति है और उसको कोरोना हो जाता है दुर्भाग्य से, तो उसकी मृत्यु की संभावना 17 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्पत जो 60 साल से कम उम्र के हैं। और इसका कारण यह है कि 60 से ऊपर लगभग 2/3 लोगों को बाकी बीमारियां भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इस समय टीकाकरण का प्रमुख कारण है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या कमज़ोर पॉपुलेशन सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ उनकी इम्यूनिटी का और बॉडी का रिस्पॉन्स, उनको पहले टीका दिया जा रहा है। तो 60 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति को उसमें किसी तरह की कोई उसमें रोक नहीं लगाई गई है, और 45 से 60 के बीच में भी जिनको बीमारी होती है उनमें भी अगर कोरोना हो जाए तो मृत्यु की संभावना 15 से 20 गुना ज़्यादा होती है बाकी लोगों के अलावा। तो ये दो मुख्य कारण हैं। अब रहा टीकाकरण की कारण जो प्रेजेंट और वर्तमान स्थिति क्या है, हम लोगों ने 3000 टीकाकरण से अपना यात्रा शुरू करी थी, और आज 7 हफ्ते बाद लगभग 20,000 टीकाकरण केंद्र हैं सारे देश में। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है और टीकाकरण की जो गति है, क्या हम जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये आपके मन की चिंता है। तो उसमें ये मैं बताऊं कि जो ये टीकाकरण है बड़े लोगों में, वयस्कों में, एक तो पहली बार किया जा रहा है और एक नयापन है, और बहुत बड़ी जनता को करीब ये टीका पहले चरण में देना है, तो ये लगभग 30 करोड़ लोग हैं, और इस तरीके से ये एक मैराथन रेस हो जाती है। तो मैराथन रेस में शुरू में आप धीरे धीरे दौड़ते हैं, आप अपनी चाल को इस तरीके से संयमित करते हैं कि अगर कहीं कोई परेशानी हो तो उससे निपटा जा सके, अगर कोई सुरक्षा से संबंधित कोई मामले आते हैं तो उनको कैसे निपटना है, जो वैक्सीन को सप्लाई करने का है, हर टीकाकरण पर समय से पहुंचे, सही दशा में पहुंचे, उसके बारे में जो है।
तो ये पिछले 6-7 हफ्ते इस चीज़ में बहुत मेटिकुलसली उनको डॉक्यूमेंट किया गया। इसके अलावा हमारे जो एक आईटी प्लेटफॉर्म जिसको कोविन हर एक आदमी जानता है वो तैयार किया गया, और शुरू में उसमें परेशानी भी थी, अभी भी परेशानी है, लेकिन अब ज़्यादातर परेशानियों से ऊपर उठ गए हैं हम लोग। तो जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है, जैसे कि आपको मालूम होगा कल लगभग 20 लाख लोगों को टीका लगा, तो यही उम्मीद की जा रही है कि हर रोज़ाना हम 40 से 50 लाख लोगों को अगर टीका लगाने लगते हैं तो अगले 3 महीने में जो 30 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है इस देश ने, वो टीकाकरण हम कर सकेंगे। और उम्मीद ऐसी है कि हम लोग उसको पा सकेंगे, क्योंकि वैक्सीन की हमारे पास बिल्कुल कोई कमी नहीं है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन है, किसी टीकाकरण में वैक्सीन का कोई स्टॉकआउट नहीं हुआ कि कमी है। तो अब एक मुख्य मुद्दा यह है कि लोग आगे आएं और टीका लगवाएं, अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की भी करें, और इस बहाने पूरे समाज की सुरक्षा बनती है। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जो लाइन इस्तेमाल की बहुत अच्छी है, लोग स्वयं आगे आएं, टीका लगवाएं और अपने परिवार के लोगों को भी लगवाएं, और जिस हिसाब से बारी आएगी आप उस बारी पर आके टीका लगवाएं। टीका लगवाने को लेकर लोगों के बीच में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की बातें हैं, हालांकि धीमे धीमे उनमें अब क्लियरिटी भी आ रही है, लोग समझ भी रहे हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया और सभी बड़े लोग बिना किसी आशंका के, बिना किसी डर के टीका लगवा रहे हैं, खासतौर से बुजुर्गों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है टीका लगवाने को लेकर। ऐसे में सामान्य जनों को तो टीके से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये आशंकाएं आखिर किन चीजों को लेकर की जाती हैं और इनमें कितनी सत्यता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये बिल्कुल सत्य है कि शुरू में और अभी भी कुछ हद तक लोगों में हिचकिचाहट है जी। और पहली बात तो यह है कि बड़ों में टीकाकरण जो है ये पहली बार है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम बच्चों को टीका लगा लेते हैं, उसको हल्का बुखार हुआ तो माँ कोई क्रोसिन या पैरासिटामोल की गोली दे देती है, दवाई दे देती है, और इस तरीके से 1-2 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन बड़ों में पहली बार टीका लग रहा है तो बड़ों में ये चिंता कि भाई मेरे को बुखार हो गया, मेरा हाथ दर्द होगा तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी सुरक्षा से जो चिंता है वो सुरक्षा से लेकर के है कि भाई कुछ और तो मेरा नहीं बिगड़ेगा। एक साथ में एक मसला और होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बीमारियां भी साथ साथ होती हैं। तो टीका जिस दिन मैंने लगाया उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे को कोई तकलीफ हो गई तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यह टीके की वजह से हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इन सब वजह से जो लोगों के मन में शंकाएं हैं तो वो पिछले 7 हफ्ते में काफ़ी हद तक समझ आ गया है कि लगभग 97-98% जो लोग हैं जिनमें कुछ लक्षण होते हैं टीका लगाने के बाद, उसमें क्या होता है, 1 या 2 दिन के लिए बुखार आ जाता है, हाथ में दर्द होता है, हाथ में थोड़ी सूजन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, और इसमें पैरासिटामोल टैबलेट ले जाने से 2 दिन में ठीक हो जाता है। इसके अलावा लोगों के मन में यह है कि मेरी जो अभी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, जो मेरे को बीमारी है उसकी वजह से और तकलीफ ना बढ़ जाए मेरी। तो जो पिछले दिनों का जो अनुभव है उसके हिसाब से ये बिल्कुल साफ निकला है कि किसी और बीमारी को ये खराब नहीं करती है, और किसी भी बीमारी के होते हुए ये टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। जैसे मैंने कहा अब हार्ट की बीमारी है, बहुत लोगों ने सुना जी मैंने ब्लड थिनर्स लेता हूँ तो मेरी क्या तकलीफ है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को जो हार्ट के मरीज हैं उनको ब्लड थिनर जो देते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, तो उसमें टीका लगाया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ लोगों के मन में पहले गलतफहमी फैलाई गई कि जी इस टीका लगाने से बंदीकरण हो जाता है, स्टरिलिटी हो जाती है, या इस तरह की जो एक दुर्भावनापूर्ण जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो तो समय के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन मन में अभी जो चिंता है, अब पिछले 10 दिन से देख रहे हैं हम कि जब अब बुजुर्ग लोग लगवा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तो उससे लोगों का विश्वास और बढ़ा है, और यही देखा गया। और जैसे कि आपने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया, बाकी सारे जो हमारे नेतागण हैं उन्होंने लगवाया, उससे लोगों में और भी विश्वास जागा कि टीका पूर्ण तरह से सुरक्षित है, और इसके जो है लगाने से
हमारे शरीर में शक्तिरोधक एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स पैदा होते हैं जिससे हमारा बचाव किया जा सकता है। तो सब जैसा कि अब धीमे धीमे लोगों के बीच में ये साफ हो रहा है कि टीका नुकसान नहीं करता है, कुछ एक मामले में बुखार या बदन दर्द या हाथ में दर्द तरह की इस तरह की चीजें आ सकती हैं। मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा क्योंकि आप नेशनल कोविड वर्किंग कमेटी के हेड करते हैं, उसको भी देखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि टीके के बारे में लोग चूंकि उनको लगाया जा रहा है और जो पहले बच्चों को लगाया जाता था तो बच्चे तो सवाल करते नहीं, वो तो माँ के संग गए, बाप के संग गए और लगवा चले आए, क्योंकि अब बड़े लगवा रहे हैं तो वो सवाल भी करते हैं, उनको कई बार उनके मन में आता होगा या कई बार लोग वो पूछते भी हैं कि आखिर टीका बनता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है और फिर हमें लगता कैसे है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो मैं दो तीन चीजें आपके सामने में रखूंगा जो यही हमारे देश का जो अनुभव रहा है और जो देखा गया है। शुरू के 15-20 दिन या यूं कहिए 4 हफ्ते किसी को हल्का सा भी दर्द होता था और कोई सूजन हुई तो या बुखार हुआ तो तुरंत वो टीकाकरण केंद्र में उसको बताया जा रहा था। पिछले एक हफ्ते में देखा गया, पिछले 7-8 दिन में, कि इस तरह की जो कंप्लेंट है वो कम हो गई है। इसका मतलब टीका सुरक्षित है, लोगों को पता है कि ये हल्की सी परेशानी होती है तो लोगों ने कंप्लेंट करना कम कर दिया है। अच्छा, अब जो और जिससे विश्वास बढ़ा है, अब टीका कैसे बनता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं कहूँगा कि आप पहले जर्नलिस्ट हैं जिसने मेरे से ये सवाल पूछा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिससे लोगों को पता चले कि टीका जो बनाया जाता है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो जो भी बीमारी के अगेंस्ट टीका बनाना होता है तो पहले तो उस बीमारी का जो विषाणु है या जो रोगाणु है, बैक्टीरिया या वायरस है, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी होता है। दूसरा ये देखना होता है कि जो वायरस है उसका कौन सा हिस्सा शरीर को डैमेज करता है, उसका कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको हम निशाना बना सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं कि वायरस के बारे में पूरा ज्ञान चाहिए, वो हमारा दुश्मन है तो उसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए, वो कहाँ से हमारे अंदर घर में घुसता है तो वो उसकी जानकारी करनी होती है, और तीसरा घर के अंदर घुस के क्या नुकसान करता है उसकी जानकारी चाहिए होती है। अब जब इन तीनों चीज़ों की जब हमारे अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है, लेबॉरेटरी में ये टेस्ट हो जाते हैं, तो दो स्तर पर इस वायरस का मुकाबला किया जाता है। पहला मुकाबला यह है कि इसको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाए, बॉडी के अंदर नहीं घुसने दिया जाए, तो उससे रिलेटेड जो उसकी जो प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, उसको पहचाना जाता है। दूसरा, शरीर के अंदर घुस गया और वहाँ पर जो उसने एक तरह से धमा चौकड़ी मचाता है तो उसके इलाज के लिए क्या करना है, तो आपने सुना प्लाज्मा की थेरेपी और कुछ एंटीवायरल थेरेपी, काफ़ी चीज़ों का प्रयोग किया गया, फाइनली पता चला कि भाई स्टेरॉयड से उसका काम चल जाता है। तो अभी जितने भी टीका हैं वो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि वायरस को बॉडी के अंदर घुसने ना दिया जाए, और इसके लिए लैब में पहले वायरस को ग्रो किया जाता है, उस पर्टिकुलर टुकड़े को निकाल करके और उस टुकड़े को एज सच उसके एक उसका प्रसार किया जाता है। पहले लेबॉरेटरी एनिमल्स में उसका टेस्ट किया जाता है कि ये कितना प्रभावी है, यानी कि चूहे हो गए और माइस, रैबिट्स वगैरह पे, रैट्स पे, उसके बाद बड़े एनिमल्स पे जैसे बंदर है उस पे टेस्टिंग करी जाती है। जब ये सारी टेस्टिंग करी जा रही होती है तो दो चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। पहला कि जो 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 टीका बनाया गया है वो सुरक्षित है, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ देता हूँ और वो डैमेज करेगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा कि ये शरीर के अंदर जब जाता है तो कितनी बीमारी से बचाने की शक्ति पैदा करता है। अब यहाँ तक आने के बाद जब हमें विश्वास हो जाता है उसके बाद ये टीका ले जाया जाता है व्यक्तियों में, इसके क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। उसी में क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में देखा जाता है इसका सुरक्षा कितनी है, फेज 2 में देखा जाता है कि कौन सी डोज सही है, और फेज 3 में पूरा चेक किया जाता है कि फाइनली जब हम देंगे तो रोधक शक्ति कितनी पैदा होगी उसमें और सुरक्षा के कोई कारण तो नहीं होते। तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को इस पिछले एक साल में हम जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने देखा कि हम इसको 8-9 महीने में पूरा कर सकते हैं, 10 महीने में पूरा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये तो पूरी प्रक्रिया आपने बता दी कि टीका जो है ऐसे बनता है और फिर ट्रायल के बाद वो लाया जाता है सामान्य लोगों को लगाने के लिए। ट्रायल के दौरान सुरक्षा की भी जांच हो जाती है और यह भी जांच की जाती है कि ये कितने स्तर पर और किस तरीके से शक्ति रोधक क्षमता पैदा कर रहा है। किसी व्यक्ति को टीका लग जाने के बाद क्या वह पूरी तरीके से कोरोना से सुरक्षित हो जाता है या हो जा रहे हैं लोग, यह भी एक सवाल लोगों के मन में है। जी डॉक्टर, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि हर एक कहता है कि मेरी क्या 100% गारंटी है कि मेरे को नहीं होगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो जब हम ये एक डिफरेंट आंकड़े कहते हैं कि ये वाला टीका 76% प्रभावी है, ये 81% प्रभावी है, ये 90% प्रभावी है, उसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 लोगों को टीका लगाता हूं और मेरी टीका 76% प्रभावी है, इसका मतलब 76 लोगों को बीमारी नहीं होगी। लेकिन मजे की बात और जो एक शांतिदायक बात होती है कि आप जो बाकी 25 हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो ज्यादातर उसकी सीवियरिटी बड़ी कम हो जाती है। तो दोनों तरफ से फायदा है, करीब करीब हर एक व्यक्ति को फायदा होगा। एक तो पूरी तरह से बचाव हो जाता है, प्रभावी रहता है, जिसमें पूरा प्रभाव नहीं होता लेकिन बीमारी की जो सख्ती है, जो सीवियरिटी है, वो कम हो जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि या तो 76% लोग या जो भी औसत निकल के आ रहा है उतने लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है टीका, या फिर जो लोग बच रहे हैं उनके भीतर ये जो कोरोना की महामारी है, संक्रमण है, इसके असर को कम कर देता है। बिल्कुल ठीक। अब तीसरी बात आती है जो आप पहले भी बता चुके हैं लेकिन इस समय पूछना जरूरी है कि टीका लगने के बाद किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हो सकता है किसी में, किसी व्यक्ति में, या किसी कोई अगर सीवियर किसी बीमारी से पीड़ित है तो क्या उसको नुकसान तो नहीं कर सकता है टीका? बस एक सवाल ये भी है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक पिछले 2-2.5 करोड़ जो लोगों को यहाँ पर टीका लगाया गया है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं देखी गई जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि टीका लगने के बाद डे 0 से लेकर डे 28 तक लगभग 53 मौतें रजिस्टर की गई हैं। इन 53 लोगों में जो जांच की गई तो उनमें बाकी बीमारियां थी, किसी को हार्ट अटैक हुआ था, किसी को पहले लंग्स की बीमारी थी, किसी को लकुआ मारा तो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, तो सब में देखा गया कि टीके की वजह से नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत एक कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग रिजल्ट है। दूसरी चीज यह है कि जब इतने लोगों को लग चुका है और हमने देखा है, तो एक कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये एक अपने में एक वैज्ञानिक तथ्य बन जाता है कि ये टीका सुरक्षित है और लोगों को लगवाना चाहिए। मतलब अगर 3 बातें करें तो टीके से आप पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं, अगर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते हैं तो आपकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कोरोना आपको बहुत कम असर डाल सकेगा। तीसरा जो सबसे जरूरी बात है, टीका आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हम ठीक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो है जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके हिसाब से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बिल्कुल ठीक है, यानी टीका पूरी तरह सुरक्षित है, सभी लोग जरूर लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने टीके को लेके, टीकाकरण को लेके, इसकी आशंकाओं को लेके और इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेके काफी जानकारियां दी, आपने अपना वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, शुक्रिया।